और रिफ्टेड आज हम इस वीडियो में बात करें करियर इन केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री से बीएससी या एमएससी कर रहे हो या फिर आपने कर लिए कंप्लीट, तो आपके पास कौन कौन सी जॉब्स के लिए, करियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ का आपके पास संभावनाएं हैं, तो इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चाहे आपने बीएससी या एमएससी किसी भी ब्रांच में कर रखी है, चाहे ऑर्गेनिक में कर रखी है, एनालिटिकल में कर रखी है, या अप्लाइड कर रखी है, होनर्स या मेजर सब्जेक्ट से कर रखी है, ये वीडियो सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट है। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट फील्ड में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट ने केमिस्ट्री से बीएससी या एमएससी की है। तो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। पहले हम बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में, आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो स्टूडेंट। आप असिस्टेंट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज में, एमएससी कंप्लीट करके, नेट या सेट आप क्लियर करके। अगर आप यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हो तो आपके लिए पीएचडी कंपलसरी है, आप कॉलेज में एमएससी से बन सकते हो। दूसरा, आप बीएड करके आप स्कूल में लेक्चरर बन सकते हो या फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के टीचर्स आप बन सकते हो। आप स्टेट लेवल के स्कूल में आप बन सकते हो, केवीएस में आप बन सकते हो, जो आर्मी से रिलेटेड स्कूल है उसमें आप बन सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एजुकेशन फील्ड में, आप एजुकेशन फील्ड में टीचर्स की या लेक्चरर्स की पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। दूसरा, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज करियर है आपके लिए लैब असिस्टेंट, आप कॉलेज में या स्कूल में आप लैब असिस्टेंट बन सकते हो। इसके लिए आप बीएससी या एमएससी कंपलसरी है। अगर बीएससी है तो आप कॉलेज में आप थर्ड ग्रेड का आप जो है लैब असिस्टेंट बन सकते हो, यानी लैब असिस्टेंट एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। आप लैब असिस्टेंट के बाद में आप प्रमोशन होकर आप स्कूल टीचर या कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो, अगर आप आगे एमएससी वगैरह करते हो तो स्टूडेंट। दूसरा आपके पास है रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री रिलेटेड, भाभा है भारत जो आप जानते हो, डीआरडीओ में आप जा सकते हो, इसरो में भी कुछ पोस्ट केमिस्ट्री के लिए निकलती है, हैवी वाटर बोर्ड में आप जा सकते हो, बहुत सारे वाटर से रिलेटेड जो बोर्ड है उनमें आप जा सकते हो, जो गवर्नमेंट केमिकल इंडस्ट्री है उनमें आप जा सकते हो। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंडिया में जिनमें आप रिक्वायरमेंट इसमें संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हो तो बिल्कुल आप इसमें जा सकते हो। आप इसमें पोस्ट है, आप असिस्टेंट साइंटिस्ट आप बन सकते हो, आप साइंटिफिक असिस्टेंट आप बन सकते हो, एसएससी के थ्रू आप जा सकते हो, आप लैब असिस्टेंट बन सकते हो इसके अंदर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेबोरेटरी के अंदर आप लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हो, और आप प्लांट ऑपरेटर या ट्रेनी आप ट्रेनिंग के रूप में आप जा सकते हो इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। तो ये तो आपकी मेन अपॉर्चुनिटी थी, बाकी जो गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री है उनमें भी आप जा सकते हो, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो स्टूडेंट ये कुछ मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन थे गवर्नमेंट जॉब में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, केमिस्ट्री से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में आप कहाँ का जॉब ले सकते हो, कहाँ का आपके पास करियर के ऑप्शन है स्टूडेंट। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर है आपका एजुकेशन फील्ड, जिसमें आप प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर हैं आईआईटी या नीट्स की जो प्रिपरेशन कराते हैं, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के अंदर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप जो है टीचिंग करवा सकते हो। बाकी जो कोचिंग सेंटर है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है करियर को लेकर, बहुत अच्छा सैलरी आप वहाँ से ले सकते हो स्टूडेंट। आपको इस बारे में अच्छा जानकारी अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो। और स्टूडेंट इसके बाद में बहुत सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जो है एक अच्छी सैलरी एक अच्छा करियर बना सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप आ सकते हो, फार्मिस्ट इंडस्ट्री में आप आ सकते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उनमें आप आ सकते हो स्टूडेंट, मेडिकल से मेडिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, और जो और भी बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है स्टूडेंट, आप लैब असिस्टेंट के पद पर आप काम कर सकते हो, लेबोरेटरी में आप काम कर सकते हो, बहुत सारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट बनाने वाले जो प्लांट है इंडस्ट्री है उनमें लैब असिस्टेंट की बहुत आवश्यकता होती है, लैब में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो आप केमिस्ट्री से हैं और इंटरेस्टेड है इस वर्क में, तो आप बिल्कुल जो इस टाइप की इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, और भी जो केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनमें आप जा सकते हो स्टूडेंट, जो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है उन इंडस्ट्री में आप जा सकते हो स्टूडेंट। बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनमें लैब कंपलसरी होती है, और तो स्टूडेंट आप कहीं भी आप
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ये टेंशन मत लो कि गवर्नमेंट जॉब में नंबर नहीं आ रहा तो अब हम क्या करें। स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है स्टूडेंट। तो इस टाइप की इंडस्ट्री बहुत सारी है जिनमें आप रिक्वायरमेंट आने पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट है NIT IITs में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या और भी उस शिक्षण संस्थान में अगर स्टडी करें तो उनको टेंशन रहती है कि हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट अगर आपका कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप कैंपस से बाहर आकर मार्केट में भी आप जो है इस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छा करियर आप बना सकते हो स्टूडेंट। और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए स्टूडेंट प्लीज आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नए चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा की तरह आपका प्रेम पूर्वक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।